It's a nice atmosphere and new fresh air. We're going out, hanging out like. वेलकम बैक टू माय चैनल चावला कुकिंग. मैं हूँ रेखा चावला. एज यू ऑल नो सोयाबीन इज रिच इन प्रोटीन. सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन रहता है. तो आज हम हेल्दी सोयाबीन की रेसिपी शेयर करूँगी. एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन रेसिपीज आपसे शेयर कर रही हूँ. इसे आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, कभी भी आप इसे एज अ स्नैक खा सकते हैं. तो हेल्दी रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी इंस्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे. और हाँ, रेसिपी कैसे लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं. तो चलें आज की रेसिपी शुरू करते हैं. सोयाबीन चंक्स और सोयाबीन वड़ी लगभग सभी जगह मिल जाती है. इसमें दो साइज आती है, एक छोटी साइज और एक बड़ी. आप कोई भी साइज ले सकते हैं. मैं आज बड़ी सोयाबीन यूज करूँगी. आप सोयाबीन को दो प्रकार से भिगो सकते हैं. एक, आप उसे गरम बॉईल पानी करके उसमें नमक डालकर इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक आप इसे ढककर रख दें. इस बात का ध्यान रहें कि पानी हमें ज़्यादा गर्म चाहिए, कुनकुना पानी नहीं चाहिए. और दूसरा मेथड ये है कि एक कप सोया वड़ी में आप दो से तीन कप जितना पानी डालकर उसमें एक चम्मच नमक डाल दें. उसे फिर तेज आँच पर 4 से 5 मिनट बॉइल कर लें, जब तक कि पूरा पानी अच्छे से एब्सॉर्ब ना कर ले. फिर इसका गैस बंद करके इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दें. ये देखिए, पूरा पानी एब्सॉर्ब कर लिया है सोया चंक्स ने. अब थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा करने को रखते हैं. अब इसे ठंडे पानी में डालकर इसे हल्का सा स्क्वीज करके इसका पानी निकाल लेते हैं. इस बात का ध्यान रहे कि एकदम पूरा हमें स्क्वीज नहीं करना है, थोड़ा कम ही उसमें से पानी निकाल लें वरना सोयाबीन ज़्यादा ड्राई हो जाएगी. आप जो भी रेसिपी बनाएं, सोयाबीन को सबसे पहला स्टेप हमें यही करना है. इस तरह से हमें सोयाबीन को बॉईल करना है. मुझे बॉईल थोड़ा कम पसंद आता है तो मैं अक्सर मेरे बच्चों के लिए गर्म पानी में 10 से 15 मिनट इन्हें डाल के रख देती हूँ. ये बेसिक सोया वड़ी रेडी है. अब हम इसमें अलग अलग फ्लेवर्स देंगे. सबसे पहले देखेंगे कि सोया चंक्स को सैलेड में कैसे यूज करें. इसके लिए कढ़ाई में 2 चम्मच बटर डाल दें. आप इसमें देसी घी भी यूज कर सकते हैं. बटर गर्म हो गया है. अब हम इसमें जो हमने बेसिक सोयाबीन रेडी किए थे वो हम इसमें डाल देते हैं. और इसे अब 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर थोड़ा सा इन्हें सोते कर लें. 3 से 4 मिनट अच्छे से सेकने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर. इन्हें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. बाहर थोड़ा क्लाउडी वेदर है तो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ. चलिए, ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं. अब हम इसे एक बाउल में निकाल देते हैं और इन प्लेन जो सोया चंक्स है इन्हें हम लेमन राइस में यूज करेंगे. और बचे हुए सोयाबीन में हम एक पैकेट मैगी मसाला डाल देंगे. ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं. आप इन सोया चंक्स को टोमेटो सॉस या सेज़वान सॉस के साथ भी खा सकते हैं. शाम में भूख लगने पर आप इस तरह से फटाफट सोया चंक्स को बनाकर बच्चों को दे सकते हैं. चलिए, ये बोल हम सैलेड में यूज करेंगे. मैगी मसाला डालने से सैलेड ज़्यादा टेस्टी लगेगा क्योंकि बच्चे अक्सर सैलेड खाना पसंद नहीं करते हैं. तो आप इस तरह से टेस्टी सैलेड बनाकर देंगे तो बच्चे जरूर पसंद करेंगे इन्हें खाना. चलिए देख लेते हैं कि इसका सैलेड कैसे बनता है. थोड़े से पालक के पत्ते लें, उन्हें पानी में अच्छे से वॉश कर लें. फिर पालक को छोटा छोटा काट लें. सोयाबीन एक ऐसा वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है जिसे आप पुलाव में, बिरयानी में, कड़ी में, सैलेड में, आप किसी भी रेसिपी में आप इसे यूज कर सकते हैं. इसी प्रकार से एप्पल के भी छोटे छोटे पीसेस में काटकर इसके अंदर डाल दें. आप इसमें कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं. आप इसमें पोमोग्रेनेट मीन्स अनार को भी डाल सकते हैं. आप इसमें कटे हुए, भीगे हुए बादाम, किशमिश और खजूर को भी इसमें डाल सकते हैं. आप अपनी चॉइस के कोई भी फ्रूट्स एंड नट्स आप इसमें यूज कर सकते हो. इसी के साथ हमने जो मैगी मसाले वाले सोया चंक्स बनाए थे उसे इसके अंदर डाल दें और साथ में थोड़ा सा नमक और एक लेमन का जूस भी डाल दें.
इसे अच्छे से टॉस कर लें और ये बन गया टेस्टी यम्मी हेल्दी सोयाबीन सैलेड। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अब बनाते हैं सोयाबीन सेजवान। इसी तरह से बचे हुए सोयाबीन को भी एक कढ़ाई में 2 चम्मच बटर डालकर 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे सोते करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है जैसे हमने सोयाबीन राइस के लिए और मैगी मसाला वाले सोया चंक्स बनाए थे, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे करना है। इसमें अब नमक, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च डाल देंगे और हाई फ्लेम पर ही इसे अच्छे से मिक्स कर लो। आप चाहो तो इसमें आप थोड़े से शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट कर इन्हें डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच घर की बनी हुई सेजवान सॉस। इसका लिंक मैंने आपको नीचे दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसमें स्प्रिंग अनियन की लीव्स भी डाल सकते हैं। आप सेजवान सॉस को घर पर बनाकर रखें, फिर आपका जब मन करे आप इस तरह से मिनटों में क्विक सेजवान सोयाबीन घर पर बना सकते हैं। चलिए गैस ऑफ कर दिया है और इसे एक बोल में डाल देते हैं। दोस्तों बहुत ही क्विक इंस्टेंट रेसिपी है, आप एक बार इसे घर पर जरूर ट्राई करें। अब बनाते हैं सोयाबीन लेमन राइस। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप कोलम राइस लिए हैं। ये उबले हुए राइस है। लेमन राइस बनाने के लिए आप बासमती चावल ना लें, इसे शॉर्ट ग्रेन में ही बनाएं। इन्हें मैंने पहले से ही उबाल के रखा था, आप रात के बचे हुए चावल भी यूज कर सकते हैं। अब एक हेवी बॉटम पैन में तेल और बटर दोनों को एक साथ गर्म करने को रखें। जैसे ही ये गर्म हो इसमें कड़ी पत्ते, राई और हरी मिर्च डाल दें। जैसे ही राई थोड़ी सी चिटकने लगे इसमें 1 चम्मच व्हाइट उड़द दाल डाल दें और आप इसमें थोड़ा सा काजू और मूंगफली को भी ऐड कर सकते हैं। दाल को थोड़ा सा ब्राउन होने दें और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। जैसे ही दाल ब्राउन हो जाए उसमें डाल दें बॉइल्ड राइस। और इसके ऊपर हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दें। हल्दी तेल में नहीं डालना है क्योंकि अगर हम तेल गर्म होगा तो हल्दी का कलर डार्क हो जाएगा और चावल का कलर येलो ना होकर वो ब्राउन हो जाएगा। इसीलिए बेस्ट यही है कि आप हल्दी चावल के ऊपर ही डालें। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। लेमन राइस है तो बिना नींबू के कैसे चलेगा, इसमें 1 नींबू का रस डाल दें और थोड़े से बारीक कटे हुए हरा धनिया भी डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। और अब डालेंगे इसमें सोया चंक्स, जो हमने पहले से ही प्लेन सोया चंक्स बनाकर रखे थे उसे डालकर इसे 2 मिनट तेज आंच पर मिक्स करें। चलिए सोयाबीन लेमन राइस तैयार है, अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। लेमन राइस तो हमने बहुत बार बनाए होंगे लेकिन आज जो हमने सोयाबीन लेमन राइस बनाया है ये हेल्दी रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो में एक और नई इंस्टेंट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।